दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम जो भी बताते हैं हमारी निजी रिसर्च के ऊपर आधारित होता है। आप जो भी करें सुन के जिम्मेदारी पर करें और खुद की निजी रिसर्च करने के बाद ही कुछ करें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद निजाम। आज की वीडियो बात करूंगा प्राइम XBT एक्सचेंज के रिव्यू करूंगा। और यहां पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक ही समय में एक ही प्लेटफॉर्म पर आप क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ स्टॉक इंडाइसेस फॉरेक्स और कमोडिटीज पर ट्रेड कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। इनके डेली वैल्यूम की बात करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा है, और एवरेज वैल्यूम की बात करेंगे डेली का तो लगभग 54 करोड़ 50 लाख US डॉलर के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ से हम आप देख सकते हो कि आप बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग S&P 500 गोल्ड यूरो USD एंड 50 प्लस असेट्स को ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस्ट क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ब्रोकर का भी अवार्ड इनको मिला हुआ है। उसके बाद बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मार्जिन ट्रेडिंग, बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप। अपने सिस्टम पर ट्रेडिंग करने के साथ साथ यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है। अगर आपका एप्पल का मोबाइल है या एंड्रॉइड वर्जन है तो आप जाकर गूगल प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन को मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज एप्पल का मोबाइल है तो आप एप्पल के स्टोर पर जाकर वहां से इनका वर्जन लोड कर सकते हैं मोबाइल का। ऑर्डर एग्जीक्यूट की स्पीड अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा फास्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो, और 12,000 ऑर्डर पर सेकेंड एग्जीक्यूट होते हैं। ये इनका एवरेज वॉल्यूम है पर डे का, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे तो ट्रेड विद द बेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि होता यह है कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हो और आपकी इच्छा होती है कि आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर लो, कमोडिटीज में भी कर लो या फिर स्टॉक इंडाइसेस में भी कर लो, तो यहाँ पर आपकी इस इच्छा की पूर्ति होती है और यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप सभी में ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, बाकी फीचर्स आप यहाँ पर खुद देख सकते हो अच्छे से। 2018 में ये एक्सचेंज वर्क कर रहा है 2018 से, और काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है, और आप यहाँ पर जो भी करिए, यहाँ पर अपना अकाउंट बनाए या ना बनाए वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। और मेरे एनालिसिस के साथ साथ आप अपने खुद के भी एनालिसिस करिए यहाँ पर, देन उसके बाद कुछ करिए। तो यहाँ से दोस्तों आपको सिंपल करना ये होगा कि आपको अकाउंट बनाना होगा रजिस्टर के ऑप्शन में जाके। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से अकाउंट बनाया जाएगा। अकाउंट किस तरह से बनाएंगे तो यहाँ से आपको सिंपल सा रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डाल दी है, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर दिया। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि 8 कैरेक्टर सिंबल के होने चाहिए, जैसे कि सिंबल जो होता है @ #, डॉलर का सिंबल, इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं वो पहले में 8 डिजिट जो होने चाहिए वो सिंबल होना चाहिए 8 फिगर तक। उसके बाद आपको एक अपर केस एक लोअर केस चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर में, इंग्लिश का कैपिटल लेटर में एक पहला लेटर और दूसरा लेटर लोअर केस। ठीक है, उसके बाद आप एक डिजिट नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपकी इच्छा करे। तो इस तरह से तो सिंपल सा यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर की यहाँ पर जो टोटल कैरेक्टर चाहिए हैं वो आपको चाहिए हैं 11। तो इसके आप इसको बढ़ा भी सकते हो, लेकिन आपको शुरुआत के 8 कैरेक्टर जो होंगे वो सिंबल के होने चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल देंगे, कोड यहाँ पर पहले से लगा हुआ है +91, और उसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म्स कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक लगाकर यहाँ से रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, जब आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर आपके पास ईमेल पर एक कंफर्मेशन कोड आएगा जिसको पिन कोड बोलेंगे, तो यहाँ से आप उसको यहाँ पर फिल कर दोगे। अगर आपको पिन कोड नहीं मिलता तो स्पैम के फोल्डर में जाकर वहां से पिन कोड देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने जो अपना पिन कोड हमको मिला वहां पर हमने उसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो इस तरह का खुलेगा। यहाँ पर इंडिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो देख सकते हैं इंडिया आ गया है, और यहाँ से इसको फिनिश कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट बनाने के बाद जब आप पहले फीचर के ऊपर जाते हो तो ये अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाकी सारे फीचर भी अकाउंट के ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अपना वॉलेट बैलेंस शो करता दिखाई पड़ जाएगा इस जगह पर, और उसके बाद यहाँ पर ये अकाउंट का स्टेटस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका पूरा। यहाँ से आप अपने ट्रेडिंग की जितनी भी हिस्ट्री है उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हो। डिपॉजिट का ऑप्शन पर जब आप जाते हो तो आपको कुछ इस तरह का QR कोड मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ बिटकॉइन को ही डिपॉजिट कर सकते हो और बिटकॉइन में ही विड्रॉल ले सकते हो, तो यानी कि आपको बिटकॉइन ही डिपॉजिट करना है, बिटकॉइन ही विड्रॉल करना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है विड्रॉ का, जो भी एड्रेस पे आपको भेजना है, सेंड करना है बिटकॉइन को, तो यहाँ पर उस एड्रेस को डालेंगे, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे BTC का, सबमिट टू विड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ से आपका विड्रॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रेफर टू अर्न देख सकते हो कि इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ आपको रेफर में बनाना होगा, तो काफी अच्छे से आप अर्निंग कर सकते हो यहाँ पर।
प्रोमो कोड की बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्रोमो कोड दिया है यहाँ पर अगर आप डालोगे उसको तो 35% का आपको बोनस मिल जाएगा आपके डिपॉजिट पर, यानी कि 0.001 BTC डिपॉजिट करोगे तो 35% आपको बोनस मिल जाएगा। लेकिन उस बोनस को आप ट्रेडिंग में ही यूज कर सकते हो लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं ट्रेड के ऑप्शन पर, चार्ट पैनल मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर पूरी मार्केट आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि BTC USD USBTC USUSD USD Ethereum BTC Ethereum USD LTC BTC LTC USD XRP, और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से फॉरेक्स के पेयर मिल जाएंगे आपको, और उसके अलावा आप नीचे और जाओगे तो आपको ये कमोडिटीज वगैरह के पेयर मिल जाएंगे, जैसे कि XAU है तो ये गोल्ड का चार्ट है, और यहाँ पर ये XAG यहाँ पर ये सिल्वर का पेयर है। उसके अलावा आप और नीचे जाओगे तो कुछ इस तरह के यहाँ पर आपको स्टॉक के इंडाइसेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि स्टॉक इंडाइसेस किसको बोलते हैं, जैसे कि अपना निफ्टी 50 है तो वो एक इंडाइसेस है जिसमें 50 बेहतरीन स्टॉक है इंडिया के, जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड के काफी देशों के इंडाइसेस मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 100x का लीवरेज आपको मिलता है, यानी अगर आप $1 को यहाँ पर $1 की वैल्यू आपकी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे फीचर की तरफ हम चलने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो ट्रेड के फीचर्स हैं यहाँ पर उसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चार्ट्स आप एक ही स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 चार्ट्स यहाँ पर आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि BTC USD का चार्ट है, ये यूरो USD का चार्ट है, यहाँ पर SP 500 का चार्ट है, ये देख सकते हैं क्रूड का चार्ट है, क्रूड ऑयल का। उसके बाद ये काफी अच्छा फीचर्स है, यहाँ से अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री आप इसको क्लिक करोगे तो आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री पूरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। एक्टिविटी लॉग में आप जाओगे तो इस तरह के जो भी आपकी एक्टिविटी वगैरह जो होगी यहाँ पर आ जाएगी, और इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो कुछ इस तरह से, जो आप जिसको आपको नहीं रखना होगा आप उसको यहाँ से हटा सकते हो। तीसरे फीचर की तरफ चलते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि टर्बो का है। जब आप टर्बो को क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, काफी दिलचस्प फीचर है यहाँ पर ये, और जो बेसिकली जो बंदे नए हैं ट्रेडिंग में जो सीख रहे हैं अभी, उनके लिए फीचर काफी अच्छा हो सकता है, वो काफी उनको मजा आने वाला है, यहाँ पर वो काफी कुछ सीख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर टर्बो का जो फीचर है यहाँ पर आपको लगभग आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेरा डॉलर USDT में बैलेंस है, US डॉलर में, यहाँ से आपको क्लिक करके बिटकॉइन में बैलेंस ले सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि इस तरीके के ये पेयर जितने भी हैं इस पर आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है डेमो बैलेंस, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डेमो बैलेंस, तो इसमें कुछ अमाउंट आपको दिया जाता है। तो मैंने अभी फिलहाल इसको USD में रखा हुआ है, वैसे आपको यहाँ पर एक बिटकॉइन मिलती है फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पर अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको लाइव करके दिखा देता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम आप लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 1 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से श्रिंक कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए प्राइस ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा तो उस टाइम तक आपको यहाँ पर रुकना होगा, और अगर आपके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड चला जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये बैलेंस जो यहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको सीखने के लिए दिया जा रहा है अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना अमाउंट फिल करेंगे, जो ये सबसे बड़ा ऑर्डर है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ऊपर जा सकता है। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए 1 क्लिक करके मैंने यहाँ पर ये ऑर्डर लगा दिया, तो यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर लग गया जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये मुझे लॉस हो रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि ये रेड लाइन के नीचे आ गया, मैंने बाय का ऑर्डर लगाया है अपसाइड का। तो यहाँ से ओपन पोजीशन को क्लिक करोगे तो यहाँ से अपनी पोजीशन को भी ओपन करके आप देख सकते हो। कुछ भी आपको देखिए ये डेमो बैलेंस मिल रहा है, तो आपको सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग, इस तरह से करके आप सीख सकते हो थोड़ा बहुत। जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों उसके ऊपर चलते हैं, जिसका नाम जो कोवेस्टिंग है। कोवेस्टिंग पे जब आप जाओगे तो इस तरह का यहाँ पर आप पूरा इसको रीड करने के बाद कि इस तरह से दोनों को कंफर्म करोगे फिर इसको एक्टिवेट कर लोगे, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद तो कंटिन्यू पर क्लिक करोगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप गो टू रेटिंग, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ट्रेडर वगैरह हैं जिनका ये आप देख सकते हो, तो आप इनको फॉलो करके, ये बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग जिस तरीके से होती है और एक्सचेंजेस पर, तो वही यहाँ पर भी है। तो ये जो सबसे बढ़िया ट्रेडर है यहाँ पर आप उनका प्रॉफिट देख सकते हैं कि 2461%, 1590%। तो इस तरह से आप इनको यहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फॉलो कर लोगे, ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है वो एनालिसिस का आता है। यहाँ पर एनालिसिस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर चार्ट ओपन हो जाएगा tradingview.com का, जो कि काफी एक बेहतर चार्ट है। तो यहाँ इसको इस तरह से आप ट्रेंड लाइंस वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं, इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर tradingview.com पर अपना एनालिसिस करते हो तो इस तरह से कर सकते हो, यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम अभी हम देख रहे हैं तो लगभग ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ से अपना टाइम फ्रेम आप 1 आवर कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट के अगर इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस भी आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
प्राइस जो है, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर और लगा देते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल में प्राइस फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। यहाँ पर आप देखिए कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल में फॉर्मेशन कर रहा है, प्राइस नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो लगभग यहाँ पर दो लेवल का हूँ दोस्तों। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ जबकि यहाँ पर जबकि बात है, तो फिलहाल अगर यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो आप इसको 1 आवर पर करने के बाद यहाँ से 15 मिनट पर जाकर, ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो कुछ इस तरह से। किस तरह से, यहाँ पर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, प्राइस नीचे आता है, उसके बाद दोबारा जाकर रिटेस्ट करता है, तो ये मूवमेंट कर सकता है यहाँ तक 18,562 तक। और फिलहाल यहाँ पर दूसरा ये लेवल हमारा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर छोटा सा एनालिसिस आपको सिंपली यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाया है, इसलिए ताकि आपको समझ आ सके। बता देता हूँ कि ऐड विजेट का जो ऑप्शन आता है, जब आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ को चार्ट को अपने हिसाब से लगा सकते हो, वॉचलिस्ट बना सकते हो, डैशबोर्ड, पोजिशन, ऑर्डर, ये सब देख सकते हो यहाँ पर। तो ये अच्छा, यहाँ पर कुल मिलाकर जो भी रिव्यू है मेरा, तो वो ये है कि काफी अच्छा यहाँ पर इंटरफेस जिस तरीके का दिया है, तो वो इंटरफेस, ये मेरा अपना एनालिसिस था, यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो ये मेरा अपना एनालिसिस था, ठीक है। आप खुद से अपने एनालिसिस करने के बाद जो भी करना, आप खुद से अपने एनालिसिस करने के बाद करना, ठीक है। इंटरफेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मल्टीपल चार्ट भी आपको मिल जाते हैं देखने को, अकाउंट वगैरह का जो सिस्टम है वो काफी अच्छा है। तो यहाँ पर जो भी करें आप सोच समझ के करें, और यहाँ पर आप खुद का एनालिसिस करने के बाद से करें। करता हूँ कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं। तो चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, चलता हूँ, गुड बाय, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।